लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। अपनी गायकी और अभिनय से सबको मंत्रमुग्ध कर देने वाली सुचित्रा कृष्णमूर्ति पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। सुचित्रा कृष्णमूर्ति के पिता वी कृष्णमूर्ति को कुछ दिन पहले कोयम्बटूर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें 3 दिन से लगातार खून की उल्टियां हो रही थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। कृष्णमूर्ति को प्रोस्टेट कैंसर होने का पता चला था और इसके लिए सर्जरी भी की गई थी। हालांकि पिछले हफ्ते उनकी स्थिति ज्यादा खराब हो गई और उन्हें जरूरी चिकित्सा के लिए अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। खबर की पुष्टि करते हुए सुचित्रा ने बताया, यह कैंसर का रिलैप्स नहीं है। डॉक्टरों का कहना है कि यह कीमोथेरेपी में दवाओं और इंजेक्शन के ज्यादा डोज की वजह से हुआ है। वे कहते हैं कि इस प्रकार की बीमारी में लंबे समय तक इलाज चलने से कभी कभी गैस्ट्रिक या आंतों के अस्तर से खून निकलने की वजह से ऐसा होता है। गौरतलब है कि फिल्म कभी हां कभी ना में सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने अभिनय किया था। वो शाहरुख खान के अपोजिट नजर आई थी। हाल ही में गायक सोनू निगम के बाद सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने अजान को लेकर ट्वीट किया था। सुचित्रा ने लिखा था, सुबह 4:45 बजे घर आते ही अजान की कान फोड़ आवाज से सामना हुआ। जबरदस्ती धार्मिकता थोपने से ज्यादा बेवकूफी भरा और असभ्य काम कोई दूसरा नहीं हो सकता।